गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने किचन की आप लोगों को ना दुर्दशा दिखा रही हूँ कि मेरे किचन का कितना बुरा हालत है। और आज जो है मैं किचन को साफ़ करने जा रही हूँ, तो सोचा कि चलो आज वीडियो ही बना लेती हूँ थोड़ी सी, तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल। और ये मैं नए फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम होती है। और स्टार्टिंग मैं इससे कर रही हूँ, बाकी वीडियो मैं उसी से शूट करूँगी। तो फिलहाल आप लोग देख लो, अभी मैंने फ़िलहाल बेडरूम की सफाई कर दी है, अभी चद्दर वगैरह नहीं बिछाया है, अभी सिर्फ क्लीनिंग करी है, डीप क्लीनिंग करी है, पंखे वगैरह साफ़ किए हैं, लेकिन वो काला काला जो है वाइट पंखे से जा नहीं रहा है। अभी थोड़े से चेंजेस करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी मैंने क्या चेंजेस किए हैं। उस रूम से इतना सारा कूड़ा निकला है, देख सकते हो आप लोग गंदगी। और अभी बेड के नीचे पूरी सफाई करी है, तो अभी थोड़ा बहुत जो रह गया है वो मैं कल करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा सफाई स्टार्ट करती हूँ, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। फ़िलहाल किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद लिविंग रूम की सफाई करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर जो जैसा चेंजेस होगा वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। तो बहुत सारे चेंजेस करने जा रही हूँ, तो क्या क्या चेंजेस करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जितना कबाड़ निकल रहा है सब मैं यहीं लिविंग रूम में निकाल निकाल के रख रही हूँ, और ये सारी चीज़ें जो भी फालतू की चीज़ें हैं ना वो मैं सब निकाल रही हूँ। उसके बाद ये भी मैं निकाल रही हूँ, जो मिरर वगैरह है ना जो यूज़ के हैं उनको मैं ले लूँगी, और बाकी चीज़ें जो है मैं देखती हूँ या रिप्लेस करूँगी या चेंज करूँगी। ये भी सारे निकाल रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए, सब निकाल रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या चेंजेस कर रही हूँ। चेंजेस करने से पहले आप लोगों को फ़िलहाल की हालत दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहो कि क्या किया है। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी कंडीशन है, बाद में जो कुछ भी करूँगी मैं फ़िलहाल दिखाऊँगी। मेरा लिविंग रूम इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैसी और फैला फैला रहता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ना फैले, लेकिन फिर भी देख सकते हो कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो चलो कूड़ा ये भी फ़िलहाल इतना निकला है, क्योंकि अभी मैं जस्ट बेडरूम की सफाई करके निकली हूँ। और ये भी देख सकते हो मंदिर के पास भी बहुत सारे पसारा फैल रखे हैं, तो सब मैं सही करूँगी, ए से लेके जेड तक सब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, और मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। एक से बढ़कर एक गुड इवनिंग। तो शाम के 6 बज गए हैं, और घर की हालत देख लो, अभी इतना पसारा जो है रह गया है, बहुत कोशिश करी है, और मेरी अभी हालत ख़राब हो गई, ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। टाइमिंग जो है शाम के 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, और किचन की हालत आपको दिखा दूँ। नमस्ते बेटा। तो अभी देखिए इतने सारे बर्तन जो हैं पड़े हुए हैं, और बहुत सारे बर्तन मैंने धोए हैं, और पूरा किचन जो है चमका दिया है, देख सकते हो। और अभी सेटअप बाकी है, सेटिंग सारी मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरे एक एक चीज़ चमका दिया है, ये सब अभी खाली है, इन सबको जो है रखना है भर के। और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करी है, यहाँ पे भी मसाले वगैरह सब रख रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। और दोपहर में खाना नहीं बनाए थे तो छोले भटूरे मंगाए थे मैंने, तो देख सकते हो। और बहुत बुरा वाला मेरी हालत हो रही है, ये देखिए मैं पहले नहा के आऊँगी तब बर्तन धुलूँगी। सफाई करते 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 मेरी नानी दादी काकी सब याद आ गई, देखो। और कल श्राद्ध है, कल मैं बिज़ी रहूँगी, उसके बाद मैं फिर से सफाई करूँगी। अब बारी है लिविंग रूम का, और
सारी सफाई मैं कल करूँगी, क्योंकि नवरात्रि भी आ रहे, दिवाली भी आ रही, करवा चौथ भी आ रहा है। तो देखो गाइस, एकदम से सारी चीज़ों की सफाई ना मुझसे तो नहीं हो पाती है, तो इसीलिए मैं जो है ना अभी से सफाई में लग गई हूँ। फाइनल मेरा किचन जो है ना वो चमक गया है, एक एक चीज़ चमकाई है मेरे हस्बैंड ने। किचन का जितना भी ये सब साफ सफाई का काम था ना, देख सकते हो, एक एक दीवार, ये डब्बे वगैरह, ये सब मैंने साफ करे हैं, ये सारा सफाई मैंने करी है, सारे बर्तन मैंने धोए, अभी ये भी मेरे हाथ में है, ये सारा जितना भी सफाई देख रहे हो ना, घिस घिस के सब मेरे हस्बैंड ने सफाई करी है। तो अब फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल लुक क्या निकल कर आया है। तो चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। एवरीवन गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे गाइस आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली किचन का काम जो है डन हो चुका है, कड़ी मशक्कत के बाद पूरा दिन मैंने अपनी कमर तोड़ मेहनत करी है साफ सफाई में। लिविंग रूम बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, डेकोरेशन होने के बाद, अभी नहीं। लेकिन चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपना किचन कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, कितने चेंजेस करे हैं पहले में और अब में कितना फ़र्क है, और कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। तो ये कुछ बर्तन है जिसको मैंने सूखने के लिए रखा है। तो चलिए फाइनल किचन लुक दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या मैंने किया है, फिर मैं लाइट जला के भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितने चेंजेस करे हैं मैंने। तो आ गई हूँ मैं किचन में, तो दिखाती हूँ मैं, तो दिखाती हूँ मैंने कितने चेंजेस करे हैं। सबसे पहले आप लोग मेरा गैस चूल्हा देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है, देखो। और उसके बाद ये पूरा, ये देखो कितना चमक रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत वो है। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ करा है अपना किचन का कुछ सामान, और ये गुजिया मैंने कल बनाया था, और यहाँ पे मैंने इसे रखा है इस तरीके से। और ये कॉर्नर पूरा खाली कर दिया है, सारे बर्तन वगैरह सब धो दिया मैंने। और ऊपर मैंने एक प्लांट लगा दिया है, एक प्लांट मैंने इधर लगा दिया है। तो ये कुछ मैंने सफाई करी है, देख सकते हो। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरीके से मैंने सब पे पेपर बिछा दिया, इतना मर मर के मैंने सफाई करी, दवाई ला के रख दिया। और देखो ये मेरा मिक्सी है, मैंने आज इसको बहुत चमकाया है, बहुत, थोड़ा बहुत रह गया है, इसे मैं कल साफ़ करूँगी। और बाकी तो मैंने पूरी तरीके से चमका दिया है, और यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है। ऊपर अभी खाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये वाला रैक अभी इस तरीके से है, और ये देखो ये जितने भी दरवाजे वगैरह थे ना सब चमका दिए हैं। ये वाला मैं दिखाती हूँ जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइनली आज हो चुका है। और यहाँ पे भी कुछ कप और रखूँगी मैं जिनको धो के रखा है। ऊपर भी देख लो बर्तन में इस तरीके से मैंने रखा है, ये देखो, तो पूरा जो है चमका दिया है बहुत टाइम से। और यहाँ पे देखो अभी ऊपर वाला खाली है, तो ऊपर जो सामान आएगा रखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ दाल वगैरह सब है, चावल वगैरह देख सकते हो। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, पहले बहुत भर के रखा रहता था, बहुत ही ज़्यादा कबाड़ निकला है। तो ये देख सकते हो, ये रहा मेरा किचन जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ऑर्गेनाइज करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिलहाल हो चुका है साफ़ सफाई किचन की, अब बचा है लिविंग रूम और बेडरूम, दो चीज़ें। अभी धीरे धीरे दिवाली से पहले मैं सब क्लीन कर दूंगी, और दिवाली की साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है, दिवाली, करवा चौथ, सब चीज़ों की साफ़ सफाई मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी देखूंगी मैं अगर कुछ और मैनेज कर सकती हूँ और सजाने की कोशिश करूँगी मैं। यहाँ पर फ़िलहाल बॉटल में एक लाइट लगा दी मैंने, और सबसे अच्छा मुझे मेरे टाइल्स लग रहे हैं जो कि चमक गए हैं, बहुत बुरे लग रहे थे, बहुत टाइम से मैं सफाई के लिए सोच रही थी। अभी मैंने सजाया नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से किचन सजाया जाता है, फिलहाल अभी मैं इतना ही कर पाई हूँ। तो देख लो अभी इतने में ही मैंने पूरा दिन अपना कमर तोड़ा है, पूरा दिन मेरी कमर की बैंड बजी पड़ी है। हाँ बता दिया पहले, पहले बता दिया। तो तुमने टाइल्स साफ करा है, हेल्प करी है, टाइल्स साफ करी है, और ये क्या बोलते हैं चूल्हा, हाँ चूल्हा बता दिया, ये सारी, हाँ ये सारा सब चमकाया तुमने, ये सारा, हाँ वीडियो बनाया था जब तुम साफ कर रहे थे, वीडियो में बता दिया है, ये सारी पन्ने में उतार दी उन्होंने बढ़िया। हाँ
तो ये रहा मेरा फाइनल किचन। अब भाई अब कल कल अब ये सब अभी नहीं, अब कल अब यहाँ पे जो कुछ भी है इनको ऑर्गेनाइज मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी हालत हो चुकी है मेरी एकदम पंचर, मेरे खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है। और बाकी चीजें जो छोटे-छोटे वो है कीड़े, हाँ पता नहीं कहाँ से आ गए, बरसात की वजह से यार, बरसात नहीं वो है। अभी तुम यहाँ निकाल रहे हो, बर्तनों में जाएगा जो मैंने धो धो के रखे हैं बेटा मेरे, इस तरफ में ताकि मर, अरे नहीं जाएंगे, मैं सारे मारता चल रहा हूँ ना, नहीं जाएंगे भाई, ये इसको मैं ला रहा हूँ, ये सारे बारिश की वजह से हो रहे हैं, ये सब बारिशों की वजह से आया सब, हाँ सीलन नहीं हो इतना बार, हाँ हाँ मालूम है, यही तो थे बेड पे, सब चीजों में है, सब चीजों में थे उस दिन बेड पे भी, हाँ सब चीजों में है भाई, क्या कर सकते हैं, इसलिए तो साफ कर रहा हूँ ना, जब लगाऊंगा तो साफ भी हो जाए, छोटे कीड़े हैं जो कि दिख भी नहीं रहे हैं, इसलिए तो यहाँ लेकर के बैठा हूँ। फोटो अच्छा है, बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं। और अब बारी है लिविंग रूम की, लिविंग रूम की सफाई की बारी है, वो भी करेंगे धीरे धीरे करके, फिलहाल किचन कर दिया है।